अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ये सुजुकी चैम्बर। इसकी आप हालत देख सकते हैं, इसको हम 0 to 100 बिल्कुल 0 मीटर कर देंगे। ये 2015 मॉडल है, लेकिन इसकी हालत क्या हुई, कितनी डस्टी हुई हुई है। ये पीछे से हमने इसका लोडर निकाल दिया है, वो बन रहा है अभी। तो आप इसका नीचे की डस्ट देख सकते हैं। इसका इंजन विंजन सब रिमूव होगा, पूरी A2Z बनेगी। इसका दरवाज़ा खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, सारे जाम दरवाजे हैं, इसके दरवाजे भी नहीं डालेंगे। और ये आप फर्श भी देख सकते हैं कैसा है। ये देखें, ये टायर के पास है, सब कुछ गला हो। तो आप ये हालत देख सकते हैं इसकी। ये अभी बैठ के भी दिखा देता हूँ, इसकी छत वत सब देख सकते हैं। सब कुछ नया डालेगा, सब गल चुका है। इसकी डैशबोर्ड की हालत देख सकते हैं, और ये इसकी कुशनिंग भी नहीं होगी। इसका असल में एक्सीडेंट हो गया था, ये गाड़ी पलट गई थी। तो इसके नीचे के चेसिस भी डलेंगे मेरा ख्याल है, और लोअर आर्म बॉडी शायद वो भी डलेंगे। इंजन उतरेगा नीचे से, सबको जोक के करेंगे। तो करते हैं इसकी रिबिल्ड। तो ये इंजन उतार रहा है अभी ये बंदा, इसकी पूरा इंजन सारे। पहले इसके जो इंजन माउंट है वो लूज़ करेंगे, और जो वायरिंग हार्डनेस है वो रिमूव करेंगे। तो ये आगे के माउंट सारे रिमूव हो गए हैं। अब ये आला माउंट रिमूव करने के लिए पहले ये शाफ्ट रिमूव करनी पड़ेगी। ये शाफ्ट के 2 नट होते हैं, ये रिमूव करेंगे तो हो जाएगी। फिर इसके नीचे से आप जो है ये तीसरा माउंट भी रिमूव होगा इसका। तीसरा माउंट रिमूव करेंगे, फिर जैकअप करेंगे इंजन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस इंजन को नीचे लेकर आएंगे। ये उतर गया इंजन माउंट तीसरा भी, और ये देख नीचे जैक लगाया हुआ है। अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे उतारेंगे। ये उतर गया इंजन। अब इसको अब ये शायद बनने जाएगा, ये पूरा बनेगा शायद, और चेक करेंगे इसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, सब चेक होगा। फिर जब बॉडी पूरी कंप्लीट बन जाएगी तो फिर इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे। तो ये इसको अभी दे देंगे हम बनवाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं आगे की ग्रिल सब रिमूव हो गई है, बम्पर भी रिमूव कर दिया है, और इंटीरियर भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, सीटें वीटें सब रिमूव हो गई है, ये पैनल भी रिमूव हो गए, डैशबोर्ड भी करेंगे, छत भी निकाल दिया। तो अभी ये इतना डस्टी हो रहा है, इसको पूरा साफ़ करके 0 to 100 बनाएंगे। तो ये दूसरा दिन है आज। ये चेसिस इसका वेल्ड हो गया, दूसरा वाला चेसिस सही था इसलिए हमने वो वेल्ड नहीं किया। इसके ऊपर ये वॉल भी देख सकते हैं, ये भी वेल्ड हो गया, ये पीस पूरा नया डला है। ये वाला चेसिस सही था, इसको हमने कोई पीसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे वेल्ड कर दिया। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसे पीसेस हैं जो लगेंगे अभी अंदर बाहर फ्लोरिंग और उसकी। तो अभी इसका काम चल रहा है। ये पीछे से इंजन रिमूव कर दिया था उस दिन, और ये अभी इसको सैंड पेपर से सैंड कर रहे हैं स्मूथ करके, फिर कलर होगा और इधर पीसेस लगेंगे। ये वाला पीस, ये वेल्डिंग हो चुकी है इधर की। अब दरवाज़ों के पास से वेल्डिंग होगी, और ये दोनों हमने दरवाजे नए लगा दिए क्योंकि पुराने बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, टेढ़े मेढ़े, इसको रिपेयर नहीं कर सकते। दरवाजे बिल्कुल नए लगा दिए दोनों, आप देख सकते हैं। और उस साइड का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस साइड का भी दरवाज़ा नया लगा है। और अभी इसकी सैंडिंग चल रही है, और ये देख सकते हैं ये फिटिंग बिठा रहे हैं दरवाजे की, और नीचे के पीसेस भी लग रहे हैं जो कि गले हुए थे। ये एक पीस है, ये उसका व्हील के ऊपर वो जो गोल सी जगह वहाँ पे लगेगा, और ये आगे का पीस है। ये सेटिंग बिठा रहे हैं, फिर इसको वेल्ड कर देंगे।
वाला बीस है, ये दोनों बीस इधर लगेंगे। तो ये था पार्ट वन, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, इस तरह लगेंगे। तो ये पार्ट वन था, इसमें सेंडिंग वेंडिंग और पीसेस लगे। अगले पार्ट में शायद पूरी हो जाए या पेंट तक हो, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।